अस्सलामुअलैकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रूसर्स वर्ल्ड। इस टाइम 3 बज रहे हैं और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं सहरी के लिए क्या बनाऊं। पहले मैंने सोचा था कि मैं छोलों का सालन बनाऊंगी और एक मेरे माइंड में आ रहा है कि मैं चिकन कढ़ाई बना लूं, तो अब मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि मैं क्या बनाऊँ। तो देखते हैं क्या बनाती हूँ मैं। सबसे पहले ना मैं चिकन निकाल देती हूँ, क्योंकि अगर चिकन का माइंड बन गया तो वो एटलीस्ट मेल्ट हो जाए। तो चिकन निकालते हैं, पानी पीती हूँ मैं, और पहले मैं खाना बनाऊँगी, इसके बाद में तहज्जुद पढ़ूँगी। यहाँ पे मैंने चिकन को पानी में डाल दिया और इधर मैं आटा गूंदने की तैयारी कर रही हूँ। हाँ जी जनाब, 4 बज रहे हैं और अब मैं जा रही हूँ तहज्जुद पढ़ने। सालन रेडी हो गया है और तहज्जुद पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, फिर उसके बाद सहरी बनाना स्टार्ट करते हैं। चिकन का सालन रेडी है, मैंने चूल्हा बंद कर दिया कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं नमाज़ पढ़ूँ और लग जाए, तो मैंने अभी चूल्हा बंद कर दिया। बाद में इसको थोड़ा सा मैं कम कर लूँगी, क्योंकि मेरे को भुना भुना सा चाहिए होता है। जी जनाब, तो कुरान पढ़ लिया है मैंने, मैं जाती हूँ तैमूर को जगाने और फिर सहरी बनाना स्टार्ट करते हैं। अब जब से मैंने खाना बनाना स्टार्ट किया है ना, तो सोना ही नहीं होता सहरी में। 3 बजे मैं उठ जाती हूँ, क्योंकि 3 बजे गैस आती है, तो 3 बजे उठ के ना मैं खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। और उसके बाद अब 3 बजे से लेके 6 बजे तक बैक टू बैक सारे काम हों, फिर जाके कहीं सोने को मिलेगा तो 8 बजे लाइट चली जाती है, 10:30 बजे आप। तो नींद पूरी नहीं हो रही रमज़ानों में, ये बहुत बड़ा मसला है। काश ऐसा हो जाए कि पूरे रमज़ान लाइट ना जाए और हम सुकून से अपनी नींद को पूरी कर सकें, बट ऐसा हो नहीं सकता। तैमूर को जगाते हैं। तैमूर तैमूर उठ जाए। तैमूर, 4:40 हो रहे हैं। तैमूर, 4:40 हो रहे हैं। 4:40 आ जाओ, शाबाश। यहाँ पे सहरी बनाने की ड्यूटी स्टार्ट हो गई है। काश ऐसा ही हो ना, जैसे वीडियो में हम स्पीड तेज़ कर सकते हैं, हम अपने काम में भी ऐसी स्पीड करें और ना फटाफट से सारी चीज़ें हो जाएं। सहरी में क्योंकि ना मैं सोती नहीं हूँ, सहरी के बाद सोती हूँ ना, तो बस दिल करता है कि सहरी बनाऊं और उसके बाद जल्दी से सहरी करके नमाज़ पढ़ के सोने की तैयारी करें, क्योंकि जैसे जैसे ना टाइम ज़्यादा होता रहता है ना, तो फिर मेरी नींद जो है ना वो भागने लगती है। तो इसीलिए ना अभी अच्छा मेरा ना सहरी में पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं करता खाना खाने का कुछ भी, ज़बरदस्ती में खाती हूँ। और जैसे शादी से पहले तो मैं माशाल्लाह बहुत अच्छी सहरी कर लिया करती थी, लेकिन अभी क्योंकि ऐसा होता है ना कि जो बनाता है ना उसका खुद का खाने का दिल नहीं करता, तो शायद यही बात है। पहले क्योंकि अम्मी बना के दे दिया करती थी तो मैं आराम से खा लिया करती थी। सहरी से फ्री हो गए हैं, ब्रश कर लिया है, अजान हो गई है, अब हम आए हैं अपनी बर्तन की ड्यूटी पे। बर्तन धोते हैं फिर उसके बाद में पढ़ेंगे फजर की नमाज़। तो बर्तन धोना स्टार्ट करते हैं। कितना सुकून मिल जाता है ना जब आपका किचन बिल्कुल क्लीन हो जाता है, फिर आप आराम से सो सकते हैं कि भाई किचन एटलीस्ट हमारा साफ़ है। तो मैं किचन साफ़ करके सोती हूँ। अब हम पढ़ते हैं फजर की नमाज़ और उसके बाद इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी ज़हर में। तो पढ़ते हैं फजर की नमाज़। हेलो, अस्सलामु अलैकुम। ज़हर का टाइम है तो पढ़ते हैं नमाज़ और उसके बाद मुझे सफाई करनी है, तो नमाज़ पढ़ने चलते हैं। मेरी आँखें ऐसी हो रही हैं। चले नमाज़ पढ़ते हैं। यहाँ पे सफाई कंप्लीट हो गई है, कपड़े भी मैंने सर्फ में भिगो दिए हैं, सारा कुछ साफ हो गया है। अब मैं सुकून से पढ़ूंगी असर की नमाज़। मैंने असर पढ़ ली है, अब मैं आ गई हूँ किचन में और सबसे पहले शरबत बनाएंगे। यहाँ पे मैं शरबत बना रही हूँ और इसके अलावा फ्रूट चाट बना के, और आज मैं पकोड़े बनाऊंगी। 2-3 दिन हो गए शायद मैंने ना पकोड़े नहीं बनाए, वगैरह पकोड़े खाने का दिल कर रहा है। तो शरबत बनाते हैं, फ्रूट चाट, और उसके बाद पकोड़े फ्राई करती हूँ मैं।
यहाँ पे मैं फ्रूट चाट बनाना शुरू करती हूँ। शरबत बना चुकी हूँ मैं, तो फ्रूट चाट कट करते हैं, उसके बाद मैं पकौड़ों की तैयारी करूँगी। फ्रूट चाट रेडी हो गई है हमारी। यहाँ पे पकौड़े फ्राई हो रहे हैं, रोज़ा खुलने में अभी 20 मिनट हैं। इफ्तार किया और उसके बाद हम लोगों ने मग़रिब की नमाज़ पढ़ी। मग़रिब की नमाज़ पढ़ी उसके बाद ना तैमूर ने मुझसे कहा कि जब मैं तरावी पढ़ कर आऊँगा ना, हम लोग चलेंगे पिज़्ज़ा खाने। ये फेवरेट पिज़्ज़ा है हमारा यहाँ का, तो हम लोग हमेशा यहीं आते हैं और यहीं का मुझे पिज़्ज़ा समझ आता है और तैमूर को भी यहाँ का पिज़्ज़ा पसंद है और सर्विस बहुत अच्छी है यहाँ की ना। तैमूर कहाँ है आप? मुझे भी कैलिफोर्निया में फर्स्ट टाइम। दो फ्लेवर्स हम लोगों ने मंगवाए थे। तो ये था हमारा आज का व्लॉग, आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट। इंशाल्लाह जल्द आपसे मुलाकात होगी। ख्याल रखिए, खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।